नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप सभी को पता है कि आज 26 जनवरी 2021 को आज 72वें गणतंत्र दिवस के आप को आज दौरान राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज झंडोत्तरण किया। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और यह याद रखें, इस चीज को मैं बार बार दोहराऊंगी, हमें आजादी मिली नहीं है, आजादी ली गई है, छीनी गई है, लड़ा है, संघर्ष किया है, तब जाकर ये आजादी मिली है। और ये संविधान लागू हुआ था आज के दिन। लेकिन जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और इन सब ने जो किया है इनका आजादी दिलवाने के लिए, उसे आप लोग प्लीज कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद रहे, गणतंत्र दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर से एक विशेष पगड़ी बनवाई थी। आप सभी ने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक पगड़ी पहनी थी। गुजरात के जामनगर का शाही परिवार द्वारा ये पगड़ी उनको उपहार में दी गई थी। वहीं पे जहां पे उपहार में पगड़ी मिली, सामने विपक्षी वाले अब पता नहीं इस पे क्या कहेंगे। मोदी जी हर वर्ष अलग अलग पगड़ी पहनकर राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं, लेकिन आप देखेंगे इस बार जो पगड़ी उन्होंने पहना था वो भगवा रंग का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर जाकर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिलकर महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस बार का गणतंत्र दिवस कोरोना के संबंधित दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखकर मनाया गया। जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर से कोई भी अतिथि नहीं आए थे, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। इसका रीजन यही था, कोविड को लेकर उनको आना था लेकिन वो नहीं आए। राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा कि हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो एकता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भारतीत्व की भावना को प्रोत्साहित करते हुए करोड़ों भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है। इतना ही नहीं, इस बार गणतंत्र दिवस के दौरान किसानों का विरोध प्रदर्शन, जैसे आप सभी को पता है कैसे तथाकथित किसान जो कि बैठे इसलिए थे कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालनी है, उन्होंने टिकरी सीमा के राजधानी में घुसकर ट्रैक्टर रैली भी निकाली। वहीं सिंधु सीमा से ट्रैक्टर रैली निकालकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची। ये रैली लगभग DTO शाहबाद, SB रोड दरवाला, बावना, टी पॉइंट खंजवाला चौक, खड़खोड़ा टोल प्लाजा से होकर गुजर रही है। वहीं टिकरी सीमा में नजफगढ़ और असोरा टोल प्लाजा तक जानी गई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, दिल्ली में इस बार का गणतंत्र दिवस कई मामलों में पहला है। बांग्लादेश की फौज के 122 सदस्यों ने भी परेड में हिस्सा लिया था। इस बार कोई मुख्य अतिथि नहीं आए थे, साथ में राफेल की उड़ान भी देखने को मिली। देश भर में गणतंत्र दिवस की अन्य तस्वीरों को आप यहां देखेंगे। आज आपने देखा होगा टीवी पे, मॉर्निंग में ही दिखा रहा था, गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या पर लगभग कुल 119 लोगों का आज पद्म पुरस्कार दिए गए और साथ में दिए जाने का घोषणा भी किया गया, जिनमें सात को पद्म भूषण मिला। तो इतना ही नहीं दोस्तों, जहां पे इतने सारे चीजें हो रही थी, जहां पर इस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, जहां पे इस तरीके का गौरव और सौम्यता की बात हो रही है, वहां पे ये किसान परेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा में आप देखोगे, हरियाणा में एक बॉर्डर है जिसे कहा जाता है यहाँ पे, उसको क्रॉस नहीं करने दिया गया। और कल के मीडिया में वामपंथियों और लिब्रांडुओं के नैरेटिव की अगर कुछ झलक देखना है तो आप देख लीजिएगा। और उनको बहुत लोगों को आज देखकर झटका लगा होगा कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी प्लानिंग करने के बाद भी आज उनका ये जो एक अलग ही सौम्यता देखने को मिली, एक अलग ही झलक देखने को मिला, एक देश में जो चीजें हो रही थी, जो जिसे देखकर हमें लग रहा था कि हम सैल्यूट करें, वो देखने को मिला। और ये सब शायद सामने वाले को हजम नहीं हुई होगी, क्योंकि वहीं पे भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण पैदल रेजिमेंट में से एक है सिख रेजिमेंट। और इसमें इतना ही नहीं दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जो तैयारियां होती है, उस तैयारी को जिस मेहनत से, जिस एक बेहद अलग और एक खास परंपरा जुड़ी हुई है इसमें, जहां एक तरफ भारतीय सशस्त्र बल का हर सैन्य दल एक बार सैल्यूट करता है, तो वहीं सिख रेजिमेंट दो बार सैल्यूट करता है। यह प्रक्रिया लगभग बहुत सालों से, लगभग मुझे जहां तक पता है अराउंड 42 साल पहले 24 जनवरी 1979 को शुरू हुई थी। गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे की परेड के पूर्वाभ्यास रिहर्सल के दौरान सिख रेजिमेंट ने के विजय चौक पे लाल
किले तक का मार्च करते थे ब्रिगेड, जो इस बार बहुत चीजें जहां पे 9 किलोमीटर की मार्च होती थी इस बार लगभग 3 किलोमीटर की हुई। तो इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें कोविड की वजह से चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें कोविड की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन वहीं पे दोस्तों जहां पे ये खालिस्तानी लोग किसान मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं, परेड लेके बैठे हुए हैं, सरदार जी को लोगों जो बैठे हुए हैं, लेकिन वो सरदार है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमारे देश के जो सिख धर्म है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो भगत सिंह हैं उनको हम, उनकी शहादत को हम भूल नहीं सकते। क्योंकि आपको एक किस्सा बताऊंगी, शीशगंज जो गुरुद्वारा साहिब है उसका एक महत्व है दोस्तों। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 10 सिख गुरुओं में से 9वें गुरु थे। उन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का जबरन इस्लाम में परिवर्तित होने से नहीं रोका था, बल्कि इस्लाम कबूल नहीं करने की वजह से मुगल शासक औरंगजेब ने दिल्ली में सरेआम उनका सर कलम करवा दिया था। उन्होंने मुगल अत्याचार के विरुद्ध जंग छेड़ी थी, जिसकी वजह से उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता था। उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका गला काट दिया गया था। गुरुद्वारा शीशगंज ठीक उस जगह पर बनाया गया है जहां गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। उनका शीश मतलब सिर उनके शिष्य भाई जैता आनंदपुर साहिब लेकर आए थे, और सिखों के 10वें गुरु गोविंद राय ने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो ये सारी चीजें आप ये देख लीजिए कि छोटी छोटी चीजें किस तरह से परंपराओं से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आज के टाइम जो ये लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, जो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ के जो आगे बढ़ रहे हैं, और जहां पे गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस के कंधों पर, वैसे तो हर साल सुरक्षा इंतजामों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस वर्ष अगर आप देखोगे किसान रैली के कारण उनके सामने एक चुनौती है। इस वर्ष रैली के नाम पर दिल्ली के सीमा पर इकट्ठा हो रही भीड़ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर के सामने आई भी है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे कथित किसान जो बैठे हैं वो पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं। तो ऐसे कौन से किसान हैं जो कि पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ के आगे बढ़ेंगे? दोस्तों इतना ही नहीं, INA के अनुसार में ये भी देखने को मिला कि प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ दी है। एजेंसी ने जानकारी के लिए साथ में एक वीडियो को भी जारी किया था। वीडियो में देख सकते हैं आप कि भारी तादाद में किसान बैरिकेडिंग के पास खड़े हैं और धीरे धीरे उस पर चढ़ना भी शुरू कर दिया। देखते देखते भीड़ बैरिकेड्स को तोड़कर आगे भी बढ़ गई। इसी प्रकार गाजीपुर बॉर्डर को लेकर भी खबर है कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में घुस गए। हालांकि पुलिस अब तक किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि आपको पता है कि राजधानी की हालात क्या हो सकती है और क्या हो जाएगी अगर ये दिल्ली राजधानी में घुस घुस कर अगर दंगा करेंगे। क्योंकि इनका दंगा सिर्फ ट्रैक्टर रैली तक तो सीमित नहीं हो सकता, यह मुझे और आपको अच्छे तरीके से पता है। किसानों और नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, और किस तरीके की बातचीत चल रही है यह हम सबको पता है। सिंधु बॉर्डर की बात करूं मैं तो यहां भी किसान रैली शुरू हो चुकी है, और मुकरबा चौक पहुंचकर इन्होंने राइट मुकर्रर तय कर रास्ता बदल लिया है। बादली जाने की बजाय इनका जिद है कि वो मुकरबा चौक से दिल्ली जाएंगे, इस कारण मुकरबा चौक पर माहौल काफी बना हुआ है। गौरतलब है दोस्तों कि किसान नेताओं के साथ कई दौर से बातचीत होने के बाद भी रविवार को दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दी थी। जैसा मैंने आपको बताया था, पुलिस ने कहा था कि बैरिकेड के अन्य सुरक्षा प्रबंधों को हटाकर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों को आने दिया जाएगा, बाद में वह तय दूरी कवर करने के बाद दोबारा अपनी जगह पर लौट जाएंगे। बता दूं कि आज किसानों की रैली अलग अलग सीमाओं से शुरू हुई। कई जगह पर केवल रैली के जरिए प्रदर्शनकारी शांति से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं कहीं हालातों को काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील भी की आज कि दोपहर तक नई दिल्ली व मध्य दिल्ली में जाने से बचे, क्योंकि आम जनता किस तरीके से सफर होगी और किस तरीके के हालात होंगे इसके लिए हम लोगों को स्पेशली इस चीजों के लिए अपील दी गई दिल्ली ऑफिस दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आज दोपहर तक कोई भी अपने घर से ना निकले। गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद दोपहर से लेकर देर शाम तक किसानों की बाहरी व पूर्वी दिल्ली एरिया में किसान ट्रैक्टर यात्रा में है। ऐसे में बाहरी व पूर्वी दिल्ली में बड़े पैमाने पर जाम रहने की संभावना है। तो कोई भी अगर ये मेरा वीडियो अगर दिल्ली NCR के लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज बाहर घर से ना निकले। अगर बहुत जरूरी काम हो, बहुत कुछ महत्वपूर्ण काम हो, तभी अपने घर से निकले, नहीं तो कोशिश करें कि आप घर पे ही रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर कोई भी माहौल खड़ा हो सकता है, चाहे वो भयंकर जाम हो, चाहे वो ट्रैक्टर रैली के नाम पर इनका कभी भी कोई भी मंसूबा, क्योंकि इनकी फंडिंग बाहर से होती है, दिमाग बाहर का है,
इन वामपंथियों का जो रिमोट कंट्रोल है ना, ये रिमोट कंट्रोल है, वो इन्होंने चाइना और पाकिस्तान के हाथ में दे रखा है, और ये उन्हीं के उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं, उन्हीं के ऑर्डर पे चलते हैं। इनके लिए भारत की व्यवस्था, भारत के कानून, भारत के लोग कोई मायने मतलब नहीं रखते हैं। तो अपनी सुरक्षा आज आपके हाथ में है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, भारत की आजादी, भारत का संविधान को याद करें कि किस तरीके से आज हमें ये दिन मिला है कि हम एक आजाद देश में जी रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम, मैं, आप आजाद देश में सांस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की शहादत इसमें जुड़ी हुई है, बहुत संघर्ष है इसमें, बहुत खून सींचे गए हैं इसमें, खूनों की नदियां बही हैं इसमें। तो उसे ना भूलें, उसे याद करें, अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से ये हमें आजादी मिली थी, इसकी कहानी क्या है, और ये घर में रहे, अपने घर में सुरक्षित रहे, और बाहर घर से तभी निकले अगर बहुत जरूरी काम हो तो, क्योंकि दिल्ली की हालात ये खराब करने के लिए मंसूबे बनाए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग अलर्ट हो, सुरक्षित रहे अपने घर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।